रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो महफिल बहुत अच्छी हुई है, इंशाल्लाह और भी अच्छी होगी। बुजुर्ग शेर खान फफरे अदारा जनाब चौधरी नूर भाई साहब, फफरे चौंतरा जी मलक रफीक साहब, तुसानी खिदमत जादर हो गए। बतौरे हाजरी एक शेर मैं पेश कर सा बुजुर्गों ने जानो था। पहला टाइम असल आया वो असा इना चाह कि बुजुर्ग बड़े दूर तो आए मेहमान हो और टाइम ही ना, लेकिन एक शेर जनाबे रोश पाक हाजरी सालों साल ड्यूटी कर रहे जनाबे रोश पाक ने, दुआ करो अल्लाह इन्हों की हाजरी कबूल तुम जितने भी साहबान दूर नजदीक तो आए हो तुम सारे ने अल्लाह ताला हाजरी कबूल फरमा लो। जिन्हें कोई माल ने जो इमदाद की थी जो भी किया अल्लाह अपनी बारगाह कबूल से मंजूर फरमा। एक शेर पेश कर साहबान की जा रसूल अल्लाह जल कयामत आसी दिखड़िया निशानियां सरकार ने जवाब दिता भी क्या है निशानियां उसको मैं उस शेर जनाब को खिदमत में पेश कर ओए सजना कभी पाक फरमाया आओ दसें नबी पाक फरमाया आओ दसें कियामत ने सारे आसारों जगह जगह वो सन मस्ता खूबसूरत लेकिन
ਸਾਬਤ ਗਲਾਰੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਦਾ ਤੋ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨ ਹਾਰੋ ਸਭ ਨਾ ਇਤਰਾਮ ਆਖਿਆ ਵੇ ਨਾ चौधरी नूरलाई साहब जिन्होंने तलक अदारे राजधानी नाला इन्होंने फरमैश चंद सदाब अली अख्तर वकार वकास अब्बास इन सारे भावों ने फरमैश से चौधरी साहब थोड़ी खिदमत इतने हाजिर हो मैं शेर सालों साल नहीं बल्कि हफ्ते बाद ना इतने साल आना वो गल नहीं मैं गल कोई नहीं गल चौधरी जी हूँ तुम जिख के बुढ़िया बंदे नहीं कोई गल तो सामने हिसाबे चाहिए तो मेरा ख्याल है कि बैसो जे ना आई तो उठ बैसो तो असं भी अपने अपने बूर पहुंच बैसा मैं वेलकम आखसा अपने नोपे तो वसीम पट्टी साहब रहा कि वह भी असल कदम है बड़ा कीमती टाइम दया करके आदो रहे कल मलक मुस्तफा साहब ने की किस खामा सवाल किया आलूर पाक से कि क्या मतानिया कई निशानियां सन इन्हें गल बिल्कुल सोलह ने की कोई गलत नहीं की मैंने भी जहन में बुढ़े बंदे ने जहन में एक गल याद आ गई वो कि आख्या सदियां कवल आलूर फरमा दिता सदियां कवल आलूर फरमा दिता मैं आसी कियामत समझा दिता बंदे बंदियां तू डे तंग बदले परवाह कर सकू
दुनिया अल्लाह की मखलूक जी है इन्होंने 5% लोग जो ईमानदार रह सन बाकी दुनिया का ईमान है उस वे हो जगह जगह से मस्जिदा भी बनिया जगह जगह से सजे भी होए लेकिन के होया कि उस वे अल्लाह ने दाखा उतो बाद करवाना बंद उठे तक असा गुरशारा ने बाल की जान लगी गुरशारे मंत्र राजा जमरुद जिसने तलक गुजर खान ढांगी ना ली उसकी कलम का तारी हो शेर दोस्तों आखिर कदमला ना किसे याद रही ना कोई दुनिया का रब न सवाद रही अचमके सरकार मुरादी कर सी ना मौसम से सवाल सवाल कर सी आख इस राम सुना देसी ओ मुने शर्मा बिगल बजा देसी पता रब दा जुमर जुमर फेर लगसी कितनी दुनिया मटाने च देन लगसी बस सिर्फ Thank you.
पटवारी जीप लई तो मैं सीधा आ रहा हाजरी देने वास्ते यारवीं वाले ने, लेकिन टाइम नहीं। कोशिश करता तो चार शेर की कड़िया करमा कहने वोट पाक नहीं है। मरीज कौन होना है, पीर कौन होना है, कोई साबित करो या साबित कराओ। बाकी जी बच्चिया मैं महफल कोलों एक गल खुशी नहीं ना करना, ये मेरे बच्चे ने जिन्हें महफल की अल्लाह ताला इन्ना कामयाब करे के होर फतेह दे। मैं खुश हाँ असी वक्त गुजार रहे हैं। एक गल होर ना सुनो, पहली महफल मैं सन 1969 की थी है चौंतरे, 60 साल हो गए शेर में। आज मेरी उम्र महफल काबल में रही, पर कोशिश कर सा एक दो शेर हम दनाते इस तो बाद यारवीं वाले ने गल कर सकता। ये सलाम है कम मजबूत मैं फुल।
कमल दोस्तों चौधरी साहब की गल गल याद आ गई ते शहर मात्र कुछ इस तरह लिख रहे हैं कि बिस्मिल्ला शरीफ तू अल्लाह ने रात असा मुसलमान मौत तोहफा चौधरी नूर अलाई साहब फखरे हजारा बा मुकाबला मलक साहिब रवीर साहब फखरे गोलड़ा चौंतरा We'll be right back.
Thank you.
खानो जार करनी चाहिए आहो जनाजा करा गया सरकारो गल सुनो उम्र में नहीं صدیق نا مصطفیٰ صاحب کو صدیق نا کہ میرا پرگرام سن 85 مہینہ کو پر ہی ہے جڑا ہی اس کو ایک کرپی ہویا ہے جڑا چاہتا کوشش کرو خفکی نہیں خفکی نہیں کرنی یاری نہیں تروڑنی لیکن شیر خان نہ کہوں میں وضو کر کے محفل کرنا شہن شاہ بغداد کو جان کر کر سو تم نے بہ کے کر سو اللہ نے کری اللہ نے نبی نہیں کری برکت تو سن میں صدیق آکھیا دام کر لیا سجید واپس مڑ گیا میں گانا ہوں لیکن برکت نہیں چیز نہیں ہے پہلی وہ شرفان یا مولوی یا قاری کو یا بھی چھوڑ دے رہے پیچھے مسجد کے کر گل اگلی ثابت کر سکتا
ਸਾਖਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਬਿਸ਼ਨੂ ਕਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਮਿਆਂ ਮੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਐਸ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤਾਜਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਤੇ ਗੋਸ ਪਾਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸਨਾ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦਲ ਕੇਦਾਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਜਪਾਲ ਗਰਾਨੀ ਕਦੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਫੈਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਕਰ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਫਾ ਦੀ ماں ایک سال
सजा सी लिखना है सेंटर मरदान अथकड़ी लगनी है दरवाजे के खड़काया गया शेर से अगर हाजिर हो गया आर्मी ग्यारह महीने अगर हाजिर हो गया जिस वक्त पुलिस आ गई पिशोर में सुबदार पठान आने कड़ी जेल जैसे में आख्या हरिपुर या पिंडी उस आगे नहीं पिशोर खड़ सुनी वो करते नहीं मैं दरवाजे में सोरे हाथ कड़ी खुदी या गो से बात पीर में पीर या सुन सहन मैं तुम्हारी तारीफ उसके ज्ञान का हाजिर हो गया अगर इतने आज ना पहुंचे हो तो मैं तुम्हारी तारीफ छोड़ दे मां इस नबी ने कल मैंने किसने कलम कर गई लिखने सजा कलम कर गई उठ करता उठ के नस गया फोन करना ना बता गया ना आगे मां पूछने तू दसवें शख्स कड़ी गति ना मरीज है मैं आख्या गया भी उस तो बाद मां पूछने मुझे सजा कितने लिखा मैं आख्या मैंने दस करना बारह दिन मैंने सजा लिखी सिर्फ टेक मेरे कोल है लेकिन उस तो नहीं लिखना मैं ए एम सी अफिसर में सारे यूनिट बंगाल चली सदका बाद प्रोग्राम होया जाने तो बाद वो जाने पता दस जो जाइए मैं पता पढ़िया सरकारी मुलाजम फिलहाल यारों में फौज दे मैं कारोबार दसना रोल पिनी या पता मकाम मेरा नजदीक मैं सदर बाजार दसना चौदह नंबर कोलो सीधी सड़क जाने रोटी आफत के सामने पार दसना चाची एम सी अफिसर मैसेज बंगला जहर पाई नंबर चार दसना अतो बंगाल चले गया गाले में की देनी ता की दे संजो की दा ए निकी जी हस्ती नहीं ए वो हस्ती है कि जिस सवा लाख रू तफड़ मार के इजाई ने तफड़ मार के तो वापस की दे लेकिन चोर चोरी पे कर रहे हैं वो क्यों कुत्तो बनिया चोरी चोरी करना है बढ़िया चोरियां कीतियां तंग रहा ते बारह साल उम्र घोष पा का शौक लगी बकरियां ने सोने की कंडियां पा दीतियां गले विच चोरा ने पीरा नहीं बकरी ने गले विच एक सोने की कंडी मिल जाए तो बस करनी सारी उम्र गहती ले के चला गया अगे दरवाजा बंद या पिछो द्वार पट्टी चिट्टी चादर पा ली उस ठप के कछा दिता अंदर बढ़िया चल गए बकरी ने गले भी जो सोने की कंटी उतारना तो मुड़ के द्वार मिल गई राह नहीं मिलना बाहर निकलना सियाह ने हुण के तरह गहती बाहर रह गई करमा था वो पीरा नहीं पीर गई आने चलो ऐसे ग्राने में सहने या किसी पूछिया कौन है अक्सर चौकीदार आ सुबह दरमान ने जोड़ के दरवाजा लाया चोर ताद चादर तान के सुते या कंडी कोल रखी रखी दरवाजा बंद करके शनिशाह बगदाद है दसनी जा सरकार बकरी निकल ली लथी है लेकिन चोर एक अंदर सुते या दरवाजा मैं बंद कीता वो बंद हो नहीं या तो है जी होता ना दिया शख्स मेरे दर्द लुटने वास्ते आया सच ठोकर ना दे
उस नाल गुस्सा नहीं करना मेरे रब शनि शाही बगदार का है इबदाल जरूर किया के इबदाल पैदा करके दियो डगरू ध्रुव पीर ने पीर चो दसिया कि दस चोल पकड़ के मेरे दरबार में ले आ मुनपुर आ रहा टक्के
आवे नहीं गल करना जरा काबले गौर सुन सो राय बैंड के चार मौलवी आए जी वैस अर्शद साहब शुरू हो गया एक ही आख्या कि भाई यार नहीं दी तकलीफ करके गुजर गया दुए भी आख्या माई यार नहीं दी भुल गई जिस त्री आया भी उस आख्या इन्हें मेरे साहबान ने गल की है कि यार भी माई भुल गई है वह फिर सवा सिर मूलिया ने खरीदार यह गल नहीं कोई साची फर्क है माई सिद्धू मार बैठी अमलू मार बैठी लेकिन वो माई दो करमाता गया जिस वक्त राई पीर ने गौश पाक को बल्कि अब उसा पीरों ने पीर ने नाने के अब्दुल्ला सुहानी ते पीरों ने पीर छोटी छोड़ दी ते अबू सारे के सवाल की था कि मेरी औलाद को अल्लाह के दुआ के करो मेरा मां अल्लाह बच्चा दे दे उन्हें आख्या तेरी लिखता औलाद को तेरी नाई ली सत्तर खाली है वापस मुड़ आई रो रही आई अगे शहन शह बगदाद बच्चे का खेल गए पूछनी है माई क्यों पूछने ने गौश पाक छोटे बड़े माई क्यों रोने हो कि मैं औलाद में सवाल से गई हूं लेकिन जवाब हो गया औलाद कोई नहीं अगू गौश पाक आखने माई ना रो अल्लाह को बच्चा देसी बाप आख्या कोई नहीं बच्चे आख्या औलाद एक बच्चा देसी शहर आखना छोटी ओ छोटी छोटी उम्र वाले बिच बगदाद वाले ओ दसियो अजब करमा
सुनाई मेरे वीर अगे जमीन ये मैं आखसा मेरे दोस्तों ने यारी नहीं फरोनी ये मैं आखसा ज्यादी है मैं यारी नहीं फरोनी मजा नहीं दे सुना गौश पाक आख्या पीर ने पीर जा माई अल्लाह एक बच्चा देसी उस वक्त तो बापा गजब चढ़िया गुस्सा आया کہ میں دسیا مائی اولاد کوئی نہیں بچہ کس طرح پیدا کر سکتا ہے غصے میں چاہے آئے بچے مارنے واسطے پیچھے باپ اگے بچہ بھاگ رہے ہیں کہ باپ مار سی نسلیاں نسلیاں آگے قبرستان آ گئے قبرستان جو گزرے ان کا آواز مار دی نے گوش پاک قبرستانیوں لوگوں باپ مینو مارنے سے آج میں تسی بھی سزا وار ہو جاؤ بڈے اٹھ کر کے قبر چوٹ کے پیر باپ دے تا میں عرض کی دی جائے سجنوں کہ ادھر کڑھے لگے پڑ گیا جڑا